हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर का जो पावर हाउस होता है, यानी कि आपका किचन, आपके लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके किचन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टिप्स दूंगी मैं आपको, और वो भी मेरे किचन से लेकर के आपके किचन तक, ताकि आप ये जान पाएँ कि जो बातें मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो बातें मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो बातें मैं आपको बताती हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ज्ञान देती है या खुद भी वो सारी बातें फॉलो करती है। जी नहीं, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो सारी बातें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आपके किचन के बारे में। आप वास्तु के बारे में तो जानते ही हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन को किस डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु को फॉलो करते हैं, या बहुत सारे लोग वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन एक ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जो वास्तु कंप्लायंट नहीं है, या आप वहाँ ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करें। मेरा ये मानना है कि आपके कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ तभी वर्क करती है, चाहे वो वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। तो इसीलिए कर्म सबसे बड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा इज एन आइडियोलॉजी ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकें, एक अच्छे रिलेशनशिप में आप रह सकें, अच्छा करियर हो आपका, अच्छी जिंदगी हो आपकी, अच्छी पीसफुल जिंदगी हो आपकी। तो इसीलिए कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 लॉज होते हैं कर्मा के, जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल हैं। इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगी, लेकिन आज उसका एक लॉ मैं आपको बता दूं, द लॉ ऑफ क्रिएशन, जिसमें कहा जाता है लाइफ डज नॉट हैपन बाई इट्स सेल्फ, वी नीड टू मेक इट हैपन। तो इसीलिए हम जैसी भी लाइफ चाहते हैं, जैसा भी स्पेस चाहते हैं, हमें क्रिएट करना पड़ता है अपने थॉट से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने स्ट्रेंथ से। तो वैसी ही कुछ बातें हैं जो हम जैसा कि अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वैसा हो, तो हमें वैसा ही कुछ अपने लाइफ में, अपने एक्शंस में करना होगा, ताकि हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी हो। तो आपके किचन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके किचन का जो स्लैब है वो कभी भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ब्लैक कलर का स्लैब होता है वो सैटर्न की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और इससे जो भी खाना बनाते हैं आपके घर में, चाहे आप खुद खाना बनाती हो या आपके हाउस हेल्प्स खाना बनाते हो, कुक खाना बनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहेगी, आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज होते रहेंगे। तो कभी भी अपने स्लैब को ब्लैक मत कीजिए, हमेशा लाइट कलर के जो शेड्स होते हैं उसे लगाइए। जैसा कि आप मेरे घर में देख सकते हैं कि ये क्रीम कलर का स्लैब है, ऐसे स्लैब आप लगा सकते हैं। यदि सपोज कि आपके घर में ऑलरेडी ब्लैक लगा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ब्लैक ग्रेनाइट लगे होते हैं, ब्लैक मार्बल लगा होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करें। फिर जो आपका गैस स्टोव होता है उसके नीचे आप वाइट स्लैब लगा सकते हैं, इससे भी आपका वो जो ब्लैक ग्रेनाइट का इफेक्ट है वो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो बर्नर है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसे जब ऑन करते हैं तो ये प्रॉपर से जलना चाहिए, ये बिल्कुल भी क्लॉग्ड नहीं होना चाहिए, अनक्लीन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बर्नर जल रहा है, कोई नहीं जल रहा, या यहाँ दूध वगैरह के गिरे हुए जो पुराने जो मार्क्स होते हैं वैसे हो, क्योंकि ये जो फायर होता है ये आपके किचन में, ये मार्स की एनर्जी को दिखाता है। तो जब ये बराबर नहीं होगा, ये क्लीन नहीं होगा, ये अच्छे से नहीं चलेगा, तो आपके घर में हमेशा कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती रहेगी, आपके घर में जो भी अच्छे काम है वो नहीं होंगे। यदि किसी की शादी होनी है, यदि किसी का जॉब होना है, अच्छी नौकरी आपको चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी मंगल कार्य, कोई भी ऐसा काम जो शुभ होता है, वो काम में थोड़ी सी आपको अड़चन आ सकती है। इसलिए हमेशा ये मेक श्योर कीजिए जो आपके घर का बर्नर है, जो आपका गैस है, उसे आप हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। कोई भी बर्नर क्लॉग्ड ना हो, खराब नहीं हो, एकदम क्लीन हो, ये हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ आपके गैस है वहाँ पे फायर एलिमेंट है, तो कभी भी उसी सेम प्लेटफॉर्म पे आपका सिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट होता है, तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से क्लैश होंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपका गैस स्टोव है, हॉब है, उसके ऑपोजिट साइड में आपका सिंक होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे मेरा सिंक है,
उस तरफ गैस स्टोव आप देख रहे हैं और इस तरफ मेरा सिंक है, तो वो फायर एलिमेंट को शो करता है और ये वाटर एलिमेंट को शो करता है, क्योंकि हमारी लाइफ में सारी एलिमेंट्स का बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके घर में ऑलरेडी एक ही प्लेटफॉर्म पे गैस हॉब भी है और सिंक भी है तो आप क्या करेंगे? तो आप इस तरीके का सेपरेटर लगा सकते हैं जिससे कि आप फायर एलिमेंट को और वाटर एलिमेंट को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि कभी भी अपने किचन में कोई भी मेडिसिन मत रखिए। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि लोग अपने सारे मेडिसिन को किचन के ही एक स्लैब पे रख देते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ आपके सारे फूड आइटम्स रहते हैं और वो आपके डाइट का हिस्सा है, तो आप जब मेडिसिन को रखते हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके डाइट का हिस्सा हो जाते हैं। आप तो ये नहीं चाहेंगे ना कि आप हमेशा बीमार रहें और आप हमेशा मेडिसिन को अपने डाइट की तरह लेते रहें, इसीलिए कभी भी किचन में अपने मेडिसिन मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका सिंक हमेशा क्लीन होना चाहिए। डे टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, रात का डिनर बनाते हैं, लेकिन जब रात में सोने से पहले ये हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपके सिंक में कोई भी बर्तन नहीं पड़ा हो, कोई भी जूठा बर्तन नहीं रखा हो। हमेशा अपने किचन को साफ करके ही सोए ताकि आपके घर में राहु की नेगेटिव एनर्जी ना आए, अदरवाइज लोग हमेशा बीमार रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेगी, या जो घर के मेंबर्स हैं उनके हेल्थ इश्यूज लगातार बने रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि किचन को हमेशा क्लीन करके रात में सोए, कभी भी गंदा बर्तन ना रखें, स्पेशली जो कढ़ाई होती है या तवे होते हैं इसे कभी भी गंदा ना रखें। आपके किचन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, चाहे वो फ्रिज हो या फिर माइक्रोवेव हो या ओवन हो, ओटीजी हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, इंडक्शन कुकर होते हैं, ऐसी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ बंद ना पड़ी हो, क्योंकि ये सभी राहु को रिप्रेजेंट करता है और हम सभी जानते हैं कि यदि राहु नेगेटिव एनर्जी देता है तो लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके ये सारे इक्विपमेंट्स वर्किंग हो और तभी आप किचन में रखें, कोई भी नॉन वर्किंग इक्विपमेंट्स को आप किचन में ना रखें। नेक्स्ट पॉइंट है नमक। नमक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। जैसे कोई भी खाने का स्वाद नमक से ही आता है, वैसे वास्तु में भी नमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी तो जब घर में आप निगेटिविटी को हटाना चाहते हैं तो सैटरडे को बोला जाता है कि एटलीस्ट आप घर में जब भी आप मॉपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो नमक के पानी से आप मॉपिंग करें, या फिर आप अपने बाथरूम में रॉक सॉल्ट जो होता है, सेंधा नमक होता है, वो ग्लास जार में आप रख सकते हैं। इससे भी निगेटिविटी दूर जाती है आपके घर से। नमक का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके अलावा आप नमक को कैसे रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो नमक होता है आप इसे इस तरीके के क्ले पॉट में रख सकते हैं या फिर ग्लास के जार में रख सकते हैं। कभी भी नमक को आप स्टील के कंटेनर में नहीं रखें या प्लास्टिक जार में नहीं रखें, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि जब प्लास्टिक जार में हम रखते हैं तो उसके केमिकल्स नमक में आ जाते हैं जो नमक को कॉन्टेमिनेट करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है, जब आप सॉल्ट को मेटल या स्टील के जार में रखते हैं तो सॉल्ट की जो करोसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो जो मेटल का जार होता है वो रस्टेड हो जाता है और वो आपके नमक को कॉन्टेमिनेट कर देता है। तो नमक यदि ख़राब हो गया तो आपके घर में हेल्थ इशूज़ के साथ नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। तो इसीलिए कभी भी नमक को स्टील के प्लास्टिक के जार में नहीं रखें, हमेशा उसे क्ले के पॉट में रखें या ग्लास के पॉट में रखें। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल सी बातें थी, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही पावरफुल बातें हैं आपके किचन से रिलेटेड, जो मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आगे से आप भी फॉलो करें, या करते भी होंगे, आप जानते भी होंगे, शायद भूल गए होंगे, या यदि आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाइए ताकि ज़्यादा लोग इन बातों को फॉलो कर पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।